हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली एक न्यू बाइक के बारे में। दोस्तों, इस बाइक का नाम है रॉयल इनफील्ड 650 क्रूजर। ये बाइक रॉयल इनफील्ड की KX650 क्रूजर कंसेप्ट मॉडल पे बनाई गई है। दोस्तों, हाल ही में लास्ट ईयर 2020 में 650 क्रूजर बाइक को टेस्टिंग के टाइम स्पॉट आउट किया गया था और ऐसा माना जा रहा था कि ये बाइक दिसंबर 2020 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके बदले में रॉयल इनफील्ड ने मीटियर 350 को लॉन्च किया था, बट एक बार फिर से 2021 में 650 सीसी क्रूजर बाइक की टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इस बार काफ़ी सारे डिटेल्स मिल गया है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आखिर 650 क्रूजर में क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, हम इस बाइक के सारे डिटेल्स को जानने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पे रहता हूँ, वहाँ पे मैं यूट्यूब से पहले आपको सारे अपडेट जो होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ या स्टोरी में डाल देता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है राइड विद बाइक रजत, आपको मेरे इंस्टाग्राम का आईडी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और मैंने आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, तो आप मुझे वहाँ से भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें रॉयल इनफील्ड 650 क्रूजर बाइक के इंजन की, तो आपको इसमें सेम 649 सीसी का इंटरसेप्टर 650 एंड कॉन्टिनेंटल जीटी 650 का इंजन देखने को मिलने वाला है। अभी अगर रॉयल इनफील्ड के पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी का काफी अच्छा इंडिया में मार्केट है और जब से हार्ले डेविडसन इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गया है तो रॉयल इनफील्ड के पास एक गोल्डन मौका है कि वो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक अपने कस्टमर को देकर उनकी नीड को फुलफिल करे, क्योंकि अभी काफी सारे लोग मिड सेगमेंट से लेकर हाई सेगमेंट की बाइक लेना पसंद करते हैं और लोगों में रॉयल इनफील्ड को लेकर दिल में एक नेक्स्ट लेवल का ही क्रेज है। रॉयल इनफील्ड का नाम ही काफी, तो इन्हीं कई कारण से कंपनी 650 सीसी के सेगमेंट में कई सारे न्यू बाइक लॉन्च करने वाली है और कंपनी भी अपनी 650 सीसी मोटरसाइकिल की रेंज बढ़ाना चाहती है। चेन्नई बेस्ट बाइक मेकर रॉयल इनफील्ड 650 सीसी सेगमेंट की एक प्रॉपर क्रूजिंग बाइक होने वाली है। रॉयल इनफील्ड ने 2018 में इकमा में अपनी कंसेप्ट KX बोबर को शोकेस किया था। उस टाइम ऐसा कहा जा रहा था कि आने वाले कुछ साल में कंपनी की एक क्रूजर बाइक होने वाली है, बट अभी तक इसका कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है। बट रिसेंटली कुछ स्पाइस शॉट्स क्लिक किए गए हैं जिससे पता चलता है कि ये रॉयल इनफील्ड की अपकमिंग 650 सीसी की क्रूजर बाइक होने वाली है। फर्स्ट स्पाइस शॉट्स के बाद अभी जो 2021 में स्पाइस शॉट्स क्लिक किया गया है, इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इस बाइक में आपको लो सीट देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ इसमें सर्कुलर हेडलैम्प, लॉन्ग व्हील बेस, मस्कुलर फ्यूल टैंक एंड अलॉय व्हील देखने को भी मिलने वाला है। 650 क्रूजर में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलने वाला है, राइडर का अलग सीट होगा और पिलियन का अलग सीट होने वाला है। इस बाइक का प्रोडक्शन मॉडल रेडी है। इस बाइक का एग्जॉस्ट आई कैचिंग होगा क्योंकि इसमें ट्विन पाइप एग्जॉस्ट दिया गया है, वाइड हैंडल बार है, राउंड LED टेल लाइट्स एंड राउंड टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है। इसका रियर फेंडर नोटिसेबल होने वाला है क्योंकि इसका फ्रंट फेंडर भी काफी फेटर है। ओवरऑल KX650 एक मॉडर्न क्रूजर विथ रेट्रो क्लासिक डिजाइन की बाइक होने वाली है। इसमें आपको 19 इंच के फ्रंट व्हील और 17 इंच के रियर व्हील देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको अपसाइड डाउन USD फोर्क फ्रंट में देखने को मिलने वाला है, विच इज द फर्स्ट इन द ब्रांड्स रेंज ऑफ मोटरसाइकिल। रियर में कन्वेंशनल ट्विन शॉक ऑब्जर्वर का यूज किया गया है। इसमें एक चीज आपको कमाल का मिलने वाला है, पहले रॉयल इनफील्ड की बाइक में रेडली माउंटेड ब्रेक कैलिपर मिलता था, बट अब इस बाइक 650 क्रूजर में आपको स्लिपर क्लच विथ असिस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ ट्रिपल नेविगेशन भी मिलने वाला है, जैसा कि मीटर 350 में सेम उसी टाइप का ट्रिपल नेविगेशन मिलने वाला है KX650 क्रूजर बाइक में। इसमें आपको 649 सीसी का ट्विन इंजन मिलने वाला है जो 47 PS का पावर और 52 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। सेम पावर और टॉर्क आपको इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 में भी देखने को मिलता है। और अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका एस्टिमेट प्राइस जो है वो अराउंड 4 लाख तक हो सकता है। और अब मेन एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बाइक इंडिया में कब लॉन्च होगी। तो दोस्तों, रॉयल इनफील्ड KX650 क्रूजर को फेस्टिवल सीजन में लॉन्च करने वाली है। क्रूजर 650 2021 के दिवाली के टाइम लॉन्च होते हुए दिख जाएगी, बट उससे पहले रॉयल इनफील्ड की न्यू जनरेशन की क्लासिक 350 लॉन्च होगी। तो दोस्तों, ये थे रॉयल इनफील्ड की अपकमिंग KX650 क्रूजर बाइक के कुछ डिटेल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।